हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑनलाइन सोशल स्टडी क्लासेस ऑफ न्यू सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल यूनिट 3 आवलखेड़ा आगरा बाय दिनेश कुमार श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द सेकंड चैप्टर फ्रॉम सिविक्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फेडरलिज्म। स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको फेडरलिज्म के बारे में, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन समझाता हूँ। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पावर शेयरिंग की जो एक फॉर्म, मैंने फोर फॉर्म बताई थी आपको वहाँ पर, और उसी में से एक वर्टिकल पावर शेयरिंग थी। तो वर्टिकल डिवीजन जो मैंने बताया था वो आपको पता ही होगा। वर्टिकल कैसे होता है? सबसे पहले सेंट्रल लेवल और उसके नीचे स्टेट लेवल, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग है, हम इसी पर फोकस करेंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। और ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग है, इसी को ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, और जो चैप्टर जब एंड होगा तो एंड में हमें क्या दिखेगा कि वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट। हम एक और जो डिवीजन होता है इसमें लोकल गवर्नमेंट की ओर, थ्री टायर हो जाते हैं इसमें, तो तीसरे टायर के बारे में पढ़ेंगे जो कि लोकल गवर्नमेंट होगा। ए न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, जो भारतीय जो फेडरलिज्म है उसमें एक नया और थर्ड यानी कि तीसरा टायर वो होगा, यानी तीसरा स्तर होगा। जनरली हमने दो स्तर के बारे में पढ़ा था कि एक सेंट्रल लेवल होता है और दूसरा स्टेट लेवल होता है। तो वर्टिकली ये डिवाइड होती हैं पावर, सबसे ऊपर सेंट्रल और फिर उसके नीचे स्टेट लेवल होता है। अब यहाँ पर एक तीसरा लेवल इसके नीचे और आ जाएगा जिसको हम कहेंगे थर्ड लेवल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है क्या? तो देखिए, हम इसको डीपली समझते हैं, आगे इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे लिखा है कि यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम वाले में कि वहाँ क्या किया था, बेल्जियम में क्या किया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी, उन सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर्स को रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया था, है ना? क्या यही चेंज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम के, कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर्स थी उन पावर्स को कम कर दिया गया और वही पावर्स जो रीजनल गवर्नमेंट्स होते थे या जो वहाँ पर बनाई गई उन गवर्नमेंट को दे दिया गया। और रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। वैसे देखा जाए तो ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी बेल्जियम में वो पहले भी थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था जो हमने पढ़ा था, तो उससे पहले जो इस प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उससे पहले भी ये गवर्नमेंट थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, और उनका अपना रोल और अपना पावर भी था। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी, इनको ये जितनी भी पावर दी गई थी वो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, और सेकंड ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी उनसे वापस ली जा सकती थी। यानी कि पूरी तरह से ये जो रीजनल पावर्स थी वो उन पर कंट्रोल था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है तो हम उनको एक तरह से फ्री या फिर कहें कि स्वतंत्र नहीं कह सकते। तो उनको हमेशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जो आंसरेबल होना पड़ता था। तो देखिए, समझते हैं कि क्या हुआ था 1993 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बेल्जियम में बना तो क्या हुआ। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। यानी क्या हुआ था 1993 में कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी
उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई थी दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो पावर्स थी वो किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं थी, यानी कि अब जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा था। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस तरह से जो बेल्जियम था वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ गया या चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे पहले वो क्या था, पहले वो था यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। एंड आफ्टर जब रीजनल पावर्स को भी, रीजनल गवर्नमेंट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या उससे डोमिनेटेड नहीं होती थी, तब वो क्या बन गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिस प्रैक्टिकल पर्पजेस अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ, और श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा तो श्रीलंका क्या था कि अपने सारे प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए वो यूनिटरी सिस्टम ही बना रहा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर, यहाँ पर हमने देखा कि जो नेशनल गवर्नमेंट थी सिनाला कम्युनिटी की, उसी को सारी जो पावर्स थी वो मिली हुई थी, और जो वहाँ दूसरी कम्युनिटी थी तमिल कम्युनिटी, उनको कोई पावर नहीं दी गई थी, उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। और जो तमिल लीडर्स थे वो चाहते थे कि श्रीलंका में फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश हो, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं हुआ। अब देखिए हम जो फेडरलिज्म है उसकी डेफिनेशन समझते हैं, वैसे मीनिंग आपको क्लियर हो ही गया होगा कि फेडरलिज्म होता क्या है जो अभी हमने पहले पढ़ा। तो उस तरह की जो गवर्नमेंट बन जाती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं, और साथ ही साथ वो पावर या रीजनल गवर्नमेंट किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उस तरह का जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर और हम अच्छे से जो डेफिनेशन हमें जो लर्न करनी है वो मैं बताता हूँ आपको, ये डेफिनेशन लर्न करनी होगी। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मीन्स फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें जितनी भी पावर होती हैं गवर्नमेंट की उनको दो लेवल में एक तरह से डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल लेवल होता है, तो सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो पूरे कंट्री के लिए होती है, उसके अलावा बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो अपनी उन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए होती है। तो क्या होता है इसमें, यूजली इफ़ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो लेवल होते हैं इसमें गवर्नमेंट के, वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक जो लेवल होता है वो पूरे देश के लिए होता है जिसको मैंने बताया सेंट्रल लेवल, दैट इज़ यूजली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जो कॉमन इंटरेस्ट के, कॉमन या नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी ऐसे जो स्टेट्स के लिए भी इट्सेट से भी रिलेटेड मैटर हों और वो पूरी कंट्री से भी रिलेटेड मैटर हों तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। और जो दूसरा लेवल होता है वो कौन सा होता है, जो स्टेट या प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को भी हम प्रांत कहते हैं, स्टेट भी वही है, तो उनके अंडर में होता है या उस लेवल का होता है, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। और ये जो लेवल होता है गवर्नमेंट का वो क्या करता है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग होती है उस स्टेट की केवल, वो किसी दूसरी स्टेट से मतलब नहीं रखते, केवल अपने ही स्टेट से मतलब रखते हैं, तो ये दूसरा लेवल होता है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन्जॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और दोनों ही ये जो लेवल हैं, यानी एक सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, दोनों ही अपनी अपनी जो पावर होती हैं उसे इंडिपेंडेंटली इन्जॉय करते हैं, यानी सब अपनी अपनी अलग पावर होती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, और सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो तो खैर कर ही नहीं सकती, लेकिन
स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, केवल वो तभी हो सकता है जब दोनों में आपसी कोई सहमति हो। उसके भी कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे कुछ नियम दिए हुए हैं, उनके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए उसके मामलों में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में हम देख सकते हैं जितना भी ये रेड पार्ट है, ये वो पार्ट है जहाँ पर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी देश की वर्ल्ड की जो 193 हैं उनमें कंट्री हैं, उनमें से 25 कंट्रीज में ही केवल फेडरल सिस्टम है। और देयर सिटीजन्स मेकअप 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और लेकिन ये बड़ी बड़ी कंट्री हैं तो इनकी टोटल पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 40% है। और जो लार्ज कंट्री हैं ज़्यादातर वो फेडरेशन ही हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, कैन यू नोटिस एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इन हिज मैप। तो यहाँ पर हम एक एक्सेप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी कंट्रीज हैं उनमें एक कंट्री यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अफ्रीका आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ये नाइजीरिया वगैरह लिखा है, ये अफ्रीका है, हालांकि इसमें अलग अलग देश है, ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अगर हम देश की बात करें एक बड़े देश की, तो आपको यहाँ पर इंडिया दिख रहा है, इंडिया के जस्ट साइड में चाइना भी है, वो चाइना दिख रहा होगा, लेकिन चाइना में आपको रेड कलर नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि चाइना में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं फॉलो किया जाता है, वहाँ पर एक तरह से यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वही कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट चलती है। चाइना में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो नहीं किया जाता है। और बाकी देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं उनमें सभी में ही, अमेरिका देखें तो अमेरिका में पूरा हमको रेड कलर दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया पूरा रेड कलर से है, हालांकि साउथ अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं, सॉरी अफ्रीका की, जो अभी भी फेडरल सिस्टम को फॉलो नहीं करती हैं, उसमें अभी भी यूनिटरी या किसी दूसरी तरह का है। अब देखिए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिटरी सिस्टम, तो इसमें हम देखें कि आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम वैसे आपको क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि यूनिटरी सिस्टम में केवल एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, और अगर कोई दूसरी सब यूनिट्स अगर होती भी हैं, अगर किसी तरह का जो सेकेंड लेवल है या रीजनल गवर्नमेंट्स हम कह सकते हैं, अगर वो होती भी हैं तो वो क्या होती हैं, वो सबऑर्डिनेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। कहने का मतलब है कि वो पूरी तरह से फ्री नहीं होती, उन पर पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करती हैं, उसके जो निर्देश होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो जितने भी अपने डिसीजंस होती हैं वो लेती हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन ही उस पर अप्लाई किए जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। क्या होता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने ऑर्डर्स पास कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या फिर लोकल गवर्नमेंट को, और लोकल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको अपने क्षेत्र में काम करना होता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस गवर्नमेंट में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को या जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं वो उनको ऑर्डर नहीं दे सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, किसी भी काम को करने के लिए वो उसको प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आपको ये वर्क करना है या ये डिसीजन अपनी स्टेट में आपको फॉलो करना है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास अपनी खुद की पावर्स होती हैं, और इन पावर्स को फॉलो करने के लिए या किसी भी डिसीजन के संदर्भ में वो किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं होती, यानी जो वो डिसीजन अपने लिए स्टेट के लिए लेना चाहती है वो ले सकती है, और ऐसा नहीं है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करना होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होगा अगर वो कुछ पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंस से बिल्कुल फ्री रहती है यहाँ पर फेडरल सिस्टम में।
और बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोनों में कि ये दोनों ही जो गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से जो पीपल होते हैं, जो हमारे सिटीजन जनता होती है, उसके प्रति ये आंसरेबल होते हैं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जो इलेक्ट करते हैं वो भी पीपल होते हैं, कॉमन पीपल, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी इलेक्ट करने वाले यानी चुनने वाले कॉमन पीपल ही होते हैं। इलेक्शन होता है तब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट किसके प्रति आंसरेबल होते हैं? पीपल के प्रति। जबकि उसमें जो यूनिटरी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लोगों का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो जो फेडरलिज्म है उसके की फीचर्स क्या हैं, सबसे मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं या उसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछने के लिए आता है। और जो पिछला वाला था डिफरेंस वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ शुरू करते हैं, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी सबसे की फीचर में सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके टू और मोर लेवल्स होते हैं, या टायर भी उनको कह सकते हैं, यानी दो से एक से तो ज़्यादा ही होते हैं, दो तो होते ही हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिसमें हम लोकल गवर्नमेंट ले सकते हैं। सेकंड है देखिए, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर कि अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वो सेम सिटीजन पर गवर्न करते हैं, शासन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है वो एक, जैसे हम यहाँ रहते हैं आगरा में रहते हैं, तो आगरा में हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे DM हैं वो हमारे आगरा के हेड हैं, तो हम उनके प्रति भी वो हमारी एक तरह से गवर्नमेंट है, वो हम पर गवर्न कर रहे हैं। हमारी स्टेट है UP, तो UP के जो CM हैं वो हम पे गवर्न कर रहे हैं। और हमारा कंट्री है इंडिया, तो वो इंडिया के जो PM हैं वो हम पर गवर्न करते हैं। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति पर तीनों टायर गवर्न करते हैं, बट ईच टायर हैज़ इट्स ऑन ज्यूरिस्टिक्शन। लेकिन तीनों ही टायर के अपने अपने ज्यूरिस्टिक्शन होते हैं। ज्यूरिस्टिक्शन क्या होता है? ये एरिया जहाँ पर उनका कंट्रोल होता है। जैसे मान लीजिए ये एरिया है आगरा का, तो आगरा के DM पर आगरा का ही एरिया होगा। जैसे मथुरा में पहुँच जाएंगे तो वहाँ दूसरा चेंज हो जाएगा। तो ज्यूरिस्डिक्शन होता है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और वो किस मामलों में होता है? स्पेशली जो लेजिस्लेशन के टैक्सेशन से संबंधित, यानी जो लेजिस्लेशन चुने जाते हैं, जो पद वगैरह जो चुने जाते हैं, जैसे विधायक हैं या MP MLA वगैरह हैं, ये हैं टैक्सेशन है, जो भी टैक्स वगैरह लिया जाता है। तो वो ये नहीं कि जो आगरा का जो भी पर्सन हो वो मथुरा के पर्सन से या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी ले सके, या एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो वहीं की लोकल गवर्नमेंट देखती है उसको। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट देखती है उसको। द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो ज्यूरिस्डिक्शन है जो रेस्पेक्टिव लेवल्स के हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो या लोकल लेवल हो, इन टायर्स को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको एक तरह से मान्यता मिली हुई है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। इसीलिए जो एग्जिस्टेंस है, इनकी जो उपस्थिति है, अस्तित्व है, या कहें कि इनकी जो अथॉरिटी है, जो भी इनका अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांट किया हुआ है। हमारे संविधान ने उनको ये सारे महत्व या फिर जो भी शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो दी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही हों, वो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनली दी गई हैं उनको। अब देखिए की फीचर्स का ही फोर्थ पॉइंट देखें। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। दूसरा जो फेडरलिज्म का जो की फीचर है वो क्या है, फोर्थ जो है, तीन हम पहले पढ़ चुके हैं। जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो किसी प्रोविजन को अगर किसी भी तरह से चेंज करना है या कुछ भी उसमें अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो वो किसी एक लेवल के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कोई एक लेवल अपने आप करना चाहे तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी कंट्री का है,
उसमें स्टेट्स भी शामिल हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी शामिल हैं। तो उसमें जो चेंज होगा किसी भी तरह का, तो उसे कोई भी एक लेवल नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई चेंज अगर करना भी है तो उसमें जो दोनों लेवल हैं, चाहे वो स्टेट लेवल से रिलेटेड हो, तो उसमें जो दोनों ही लेवल हैं यानी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, इन दोनों को ही बैठ करके उस चेंज को करने पर आपसी जो सहमति है वो जतानी होगी। दोनों ही जब एग्री होंगे उस चेंज को करने के लिए, तभी वो मान्य हो पाएगा। तो ये एक विशेष फीचर है। नेक्स्ट देखें, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमारा जो एक जुडिशरी होती है, हम जानते हैं जुडिशरी हम कहते हैं सिस्टम ऑफ कोर्ट, तो जो कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ अदालतें हैं, है ना, उनके पास पावर होती है, क्या होती है कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या कर सकते हैं, यानी उसको समझा सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई वर्क है या नहीं है। और जो डिफरेंट पावर्स हैं डिफरेंट लेवल्स की, चाहे वो स्टेट सेंट्रल या लोकल किसी भी कोई सी भी गवर्नमेंट हो, उनके जो डिफरेंट पावर्स हैं उनको भी जो कोर्ट्स हैं वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर्स। अगर वो अपनी पावर्स को, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करने में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, किसी भी तरह का झगड़ा हो जाता है दोनों गवर्नमेंट में, तो जो कोर्ट हैं हमारे, जो हाईएस्ट कोर्ट होगा यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा, वो हाईएस्ट कोर्ट होता है, है ना, वो एक एम्पायर के रूप में काम करता है, वही फिर डिसीजन देता है कि क्या करना होगा। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है यानी एकाधिकार, वित्तीय एकाधिकार, तो वो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग है। यानी हर लेवल का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है या सोर्स ऑफ इनकम भी कह सकते हैं, जो टैक्स वगैरह लेते हैं, वो सब अलग हैं। जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स अलग डिसाइड किए हुए हैं, यानी कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लोगों से लेती है, और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लोगों से लेती है। ऐसा नहीं है कि जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ले रही है उसे सेंट्रल भी ले सकती है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे स्टेट लेवल भी ले सकती है, ऐसा नहीं है, है ना। स्टेट लेवल के जो टैक्सेस हैं वो अलग होते हैं और सेंट्रल लेवल के टैक्सेस अलग होते हैं। तो दोनों के अलग अलग टैक्स स्पेशली दिए गए हैं जिससे कि दोनों की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बनी रहे। अब देखिए फेडरलिज्म के की फीचर्स का जो सेवन्थ और लास्ट पॉइंट है वो समझते हैं। द फेडरल सिस्टम दस हैड ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो फेडरल सिस्टम होता है किसी भी कंट्री में, उसमें ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्टिव, दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटरी ऑफ द कंट्री। यानी एक तो होता है कि पूरी कंट्री की जो यूनिटी है यानी जो एकता है उसको सेफ गार्ड करना, यानी उसकी रक्षा करना और उसको प्रमोट करना, यानी लोगों में इस बात को लोगों को इस बात से अवेयर करना कि दे आर द लिंक ऑफ वन यूनिट। यानी वो वन ही, एक ही चेन की एक लिंक है, वो पूरे एक ही नागरिक हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, अलग अलग नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों। वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है यानी हमारी जो अनेक रीजनल, जो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ डिफरेंट जो स्टेट्स हैं सभी में अलग तरह की जो उनकी परंपराएं हैं, अलग उनकी आवश्यकताएं हैं, अलग उनके ट्रेडिशंस हैं, सब कुछ अलग है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे देश में होती है और इन सभी को एकोमोडेट करना होता है। तो हमारे जो फेडरल सिस्टम है हमारे देश का, उसका सबसे बड़ा एक विशेष फीचर यही है कि यहाँ पर पूरी यूनिटी को भी बनाए रखते हैं, यानी पूरे देश को एक बनाए रखना, ये हमारे फेडरलिज्म का एक विशेष फीचर है। और दूसरा कि ये इतनी जो डाइवर्सिटीज होती हैं, है ना, उन डाइवर्सिटीज़ को भी एकोमोडेट करना पड़ता है, यानी उनको उनमें भी सामंजस्य बिठाए रखना पड़ता है, वो डाइवर्सिटीज़ भी बनी रहती हैं और पूरे देश की यूनिटी भी बनी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे देश की यूनिटी बनाने में जो
डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट रीजनल की जो ट्रेडिशंस हैं, मान्यता हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाए वो भी बनी रहती हैं और पूरी यूनिटी भी बनी रहती है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। यानी फेडरलिज्म की प्रैक्टिस के लिए दो एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं, वो कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो डिफरेंट लेवल्स के जो गवर्नमेंट हैं उनको क्या होना पड़ता है, पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स पर एग्री होना होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, के जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हर दोनों ही जो लेवल हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल, दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट करें और एक दूसरे जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करें। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ आस्पेक्ट, और एक आइडियल फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें ये दोनों ही आस्पेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जिनको हम कहते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट होता है दोनों में, आपसी विश्वास होता है, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ रहने का एग्रीमेंट भी होता है। यानी कि डिफरेंट डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी वो दोनों एक साथ मिल करके एग्जिट करते हैं और दोनों एक साथ मिल करके वर्क करते हैं पूरी कंट्री को बनाए रखने के लिए, और पूरी देश की यूनिटी भी उसमें बनी रहती है, उस पर भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं आता है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, यानी दो तरह के रूट्स होते हैं जिनसे फेडरेशंस बनते हैं। तो हमारे पास स्पेशली दो प्रकार के फेडरेशन होते हैं। अगर हमसे कोई पूछा जाए जो फेडरेशन क्या है, वही फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसे फेडरलिज्म भी कहते हैं, तो ऐसी कंट्रीज को फेडरेशंस कहते हैं। तो फेडरेशंस कैसे बनते हैं इनको पढ़ते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, सो दैट बाई पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। क्या होता है कि जब बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कमिंग टुगेदर यानी एक साथ मिलकर के आते हैं और मिलकर के एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, ये फर्स्ट रूट है, पहला तरीका है जिससे फेडरेशन फॉर्म होता है। तो इसमें छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो एक साथ मिलकर के एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करते हैं, और जब बड़ी यूनिट फॉर्म हो जाती है तो उससे क्या होता है कि उनकी जो सॉवरेनिटी है वो बनी रहती है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो बनी रहती है, और उनकी जो सिक्योरिटी हो वो इंक्रीज होती है। यानी कि जैसे हम अलग अलग हैं तो हम अपने आप को कम सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन जब हम चार लोग जैसे मिल जाएंगे तो हम सोचेंगे कि अब हम थोड़े ज़्यादा मजबूत हो गए। तो उसी तरह से वो ये फील करती हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह का जो कमिंग टुगेदर है वो किस में है, स्विट्जरलैंड में है, USA में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हम इंडिया को भी वही कहेंगे। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजली हैव इक्वल पावर। और इसमें क्या होता है, जो जितने भी ये फर्स्ट कैटेगरी जो है कमिंग टुगेदर, इसमें जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होती हैं उनके पास इक्वल पावर होती है, एंड आर स्ट्रॉन्ग विस अ विस द फेडरल गवर्नमेंट। और इन दोनों में ही मिला करके क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट होती है, यानी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है जो कि फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। तो इस तरह से ये फर्स्ट टाइप का जो फेडरेशन है उसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसमें दो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं वो आकर के मिलती हैं और एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करती हैं। वैसे इंडिया वाला जो होगा वो दूसरे टाइप का होगा जो हम पढ़ेंगे, होल्डिंग टुगेदर का सेकेंड वाला। अब देखिए सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इस टाइप के फेडरेशन में क्या होता है, द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यानी जो दूसरा रूट है जिससे फेडरेशन फॉर्म होता है वो क्या है, इसमें क्या होता है कि जो लार्ज कंट्री होती है, एक बड़ा देश होता है, वो क्या करता है, अपनी जो पावर है उनको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में डिवाइड कर देता है। जैसा हमारे देश में किया गया है कि पूरी जो गवर्नमेंट की जो पावर है उनको, जो हमारे यहाँ जितनी भी स्टेट्स फॉर्म हुई हैं उन स्टेट्स में उस पावर को डिवाइड कर दिया गया है, एंड द नेशनल गवर्नमेंट।
और नेशनल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स है, यानी कंट्री की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं वो अपने स्टेट में ही उनको फॉलो करते हैं, और दूसरी जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास भी अपनी पावर है। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी कंट्री होती है उसको छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करके सबको जो पावर है उनको दे दी जाती है। तो इस तरह जो फेडरेशन बनता है तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इंडिया में भी ऐसा ही है, स्पेन और बेल्जियम में, बेल्जियम के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाई था और मैंने आज भी समझाया था कि बेल्जियम में भी इस तरह की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उनको जो रीजनल गवर्नमेंट्स वहाँ पर फॉर्म हुई उनको दे दिया गया। और इंडिया में भी वैसा ही है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उनमें से कुछ पावर्स को रिड्यूस करके स्टेट गवर्नमेंट्स को, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को रिड्यूस करके लोकल जो गवर्नमेंट होती है हमारे देश में उनको दे दिया गया है। तो ये तीन कंट्री बहुत अच्छा एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। और इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विस द स्टेट्स। और इस सेकेंड कैटेगरी में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही साथ मोर पावरफुल समझी जाती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। और बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं फेडरेशन की उनमें अनइक्वल पावर हों, लगभग एक समान ही इक्वल पावर होती हैं। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, केवल कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनको स्पेशल पावर ग्रांट कर दी जाती हैं। जिस तरह से हमें मालूम ही होगा कि पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने में उसको कुछ स्पेशल पावर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ग्रांट कर दी गई थी। और इसी तरह की पावर्स कुछ और भी स्टेट्स को विशेष रूप से दे दी गई हैं। वैसे अभी जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति सभी स्टेट्स की नहीं है, लेकिन इस तरह की जो स्पेशल पावर्स कभी कभी दे दी जाती हैं, लेकिन कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी में इक्वल पावर ही, फेडरेशन की सभी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में इक्वल पावर ही होती हैं, डिफरेंट नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ तक ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ तक आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं।